कस्बा चौमुहा में चल रही रामलीला के मंचन को देखने के लिए दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रामलीला स्थल पर कलाकारों ने रामलीला का मंचन कर दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। बच्चे बूढ़े और युवक भगवान श्री राम जी के प्रेम में बने हुए हैं और उन्हीं के साथ वो चलते थे। इस प्रकार भगवान श्री राम प्रथम दिवस सांझ होने पर तमसा नदी के किनारे जाकर के विश्राम करते हैं। सुनो 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 सुनाओ। शुक्रवार की रात रामलीला के मंचन में भगवान श्री राम की वन गमन लीला, श्री राम का निषाद राज सम्मिलन, केवट लीला, मंत्री सुमंत की अयोध्या वापसी और महाराज दशरथ के मरण की लीला का मंचन रामलीला के कलाकारों द्वारा किया गया। इस अवसर पर रामलीला का हिंदी अनुवाद कर रहे जयप्रकाश वाशने ने जानकारी देते हुए यह बताया। आज मुख्य रूप से भगवान श्री राम का वनगमन की लीला, उसके बाद भगवान श्री राम निषाद राज से मिलेंगे, केवट की लीला और उसके पश्चात हमारे मंत्री सुमंत जी वापस होंगे और महाराज दशरथ के मरण तक की लीला सभी दर्शकों के समक्ष आज प्रस्तुत की जा रही है। हाँ, देख रहे हैं आप, देख भी रहे हैं, बहुत ही संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, सभी यहाँ पर लीला का आनंद ले रहे हैं।